नमस्ते, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके आप सब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाषण देना नहीं आता है, पर आप लोगों के जोश ने मुझ में भी जान डाल दी है। लोगों ने ये एकदम सही कहा है कि पंजाब के जोश के सामने सब फीका है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये ज़रूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आपने भी अब दिल्ली के अंदर बच्चों से अगर बात की होगी, बहुत बच्चे आते थे और बताते थे कि कैसे अब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं और उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा रहा है। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज़ ज़रूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा और निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करें, अपना व्यापार करें, नौकरी करें, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है। वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज सेवा करने आए हैं, वो यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मैं चाहती हूँ कि पंजाब में भी हर युवा को ये मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे, हर बेटी को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। पंजाब से और कल्पना चावला जैसी लड़कियां निकले जो देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन करें। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी दी है कि जब वो सरकार में आती है तो हर घर में हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपये देगी। अब इस 1,000 से हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कितनी मदद होती है। छोटी सी राशि है, पर ये छोटी सी मदद ही ना बहुत ज़्यादा मायने रख जाती है। आज ये बेटी आप सबसे यही कहना चाहती है कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवत मान जी ने, पापा ने बहुत सोचा है और एक मौका आप ज़रूर देकर देखिए। आज पंजाब के अंदर रोज़गार की इतनी दिक्कत है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ रोज़गार होगा, बच्चे परिवार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका देकर देखिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर भी 2013 में लोगों ने मौका दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। बार बार मौका दिया, आप भी ज़रूर दीजिए और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू को बटन दबाइए और भगवत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।